बनाया अरबी की सब्ज़ी। अरबी की सब्ज़ी तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी, क्या कभी खाई है खट्टी अरबी मसाला सब्ज़ी? बहुत ही टेस्टी, बहुत अमेजिंग सब्ज़ी बनती है फ्रेंड। तो आइए आज बनाते हैं खट्टी अरबी मसाला सब्ज़ी। सो बनाने के लिए बहुत अमेजिंग सब्ज़ी होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बनाते। शुभान जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड ये है 1/2 kg अरबी, जिसे हमने धुल के अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे थोड़ा सा सुखा लिया। अब एक कुकर लेंगे और इसी में इसको डाल देंगे। डाल के एक कप पानी डाल के इसे हम लोग उबालेंगे। तो देखिए इसको कुकर में डाल देते हैं। अब इसी में डालेंगे हम लोग 1 कप पानी। पानी डाल करके इसका लीड लगा करके और कुकर पर इस 1 सीटी आने के लिए रख देंगे। अगर अच्छी अरबी होगी तो 1 सीटी में एक अच्छी गल जाएगी। अगर अरबी नहीं अच्छी होगी तो देखिए 1 सीटी आ चुकी है। अब इसे हम लोग गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अपने आप ठंडा होने, देखिए ठंडा हो चुका है एकदम। अरबी हमारी गल के तैयार हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए एकदम पूरा तैयार हो चुका है। अरबी को निकाल लिए, हमने 2 प्याज 2 टमाटर 4 हरी मिर्च लिया। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया, टमाटर को बारीक बारीक काट लेंगे, हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेंगे। इधर अरबी ठंडी हो चुकी है, इसे छील लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग छिलके हटा लेंगे इसको, पूरे अच्छे से इसको छिलके हटा लेना। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड। तैयार हो चुकी है, इधर तेल गर्म हो चुका है। इधर लेंगे 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा लेंगे, आधा चौथाई चम्मच हींग लेंगे। सारी चीज़ों को हम लोग तेल में डाल देंगे। जीरा जब चटक जाएगा, अजवाइन पूरी अच्छी तरह से भुन जाएगा, अब इसी में डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, जिसे हमने पहले ही दिखाया था। प्याज को डाल देंगे और प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक वो पूरी तरह से गुलाबी ना हो। लगातार चलाते हुए उसे गुलाबी होने तक हम लोग भून लेंगे। तो देखिए प्याज हमने डाल दिया, अब इसे लगातार चलाते हुए गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो देखिए इसको लगातार डाल के भून लेंगे। इधर हम लोग अरबी काट लेते हैं। अरबी को 2-2 फाल ऐसे काट लेंगे। अगर अरबी ज़्यादा मोटी है तो उसे 4 फाल कर देंगे, नहीं तो 2-2 फाल पर्याप्त है। तो इस तरह से अरबी काट के हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इधर काट लिया है, इधर प्याज भी हमारी गुलाबी भून चुकी है। देखिए इधर काट के हमने तैयार कर लिया है, अरबी प्याज भी हमारी भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता जरूर डालिए फ्रेंड, इस सब्ज़ी में करी पत्ता कब सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। और इसी में डाल देंगे ग्रीन चिली। दोनों को डाल करके अच्छे से भूनेंगे इसको, 2 मिनट इसको भून लेंगे डाल करके। तो इसको भी भून लेते हैं अच्छे से, भून जाएगा जब प्याज गुलाबी हो चुका। अब इसी में डाल देंगे टमाटर। टमाटर डाल के छुप चला करके इसी में 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको ढक करके हम लोग टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो देखिए इधर ढक करके मसा पका लिया है और अब पक चुका है। अब इसी में डालेंगे हम लोग बाकी के मसाले, बहुत ही टेस्टी। अब इसमें डाल देते हैं हम लोग 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए डाल दिया है, अब इसे भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे और सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाएगा और सारा मसाला अच्छे से भून जाएगा, तब इसी में डालेंगे बाकी मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्चा पाउडर, क्योंकि हम लोग ग्रीन चिली भी डाले हैं फ्रेंड, इसलिए मिर्ची कम डालेंगे तो सब्ज़ी काफ़ी तीखी बन जाएगी। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, तभी वीडियो समझ पाइएगा, क्योंकि बाकी की चीज़ें हम लास्ट में जो डालनी है वो तभी समझ पाइएगा। पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाता। देखिए पानी डाल के हम अच्छे से भून, मसाला भून चुका। अब इसमें डालेंगे अरबी। अरबी को डाल करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत अमेजिंग सब्ज़ी बनती है फ्रेंड, बार बार मैं बता रही हूँ, एक बार जरूर बना के खाइएगा। अरबी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लगातार चलाते हुए हम लोग 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। मसालों के साथ अरबी को भूनना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, जब तक भूनेंगे नहीं। और इसमें गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे। जब अच्छे से भून जाएगा, अब इसी में डाल देंगे 1 कप पानी। पानी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, ग्रेवी अगर पतली रखनी हो तो पानी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे इसकी सब्ज़ी ज़्यादा पतली नहीं बनती है, ठीकी ही बनती है इसकी सब्ज़ी। तो इस तरह से पानी डाल करके ढक करके इसको 2 मिनट हम लोग पका लेंगे। देखिए हमने पका लिया, अब इसको थोड़ा सा चला के मिला लेंगे सारी सब्ज़ियों को। और अब इसमें डालेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने बताया था। तो देखिए ये है इमली की पानी, इसी से ये सब्ज़ी खट्टी बनेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ पाइएगा। ये 1 नींबू के बराबर इमली लेना फ्रेंड। हम 1/2 kg का बनाए हैं तो हमने 1 नींबू लिया। अगर 1 kg बनाइए, 2 नींबू के बराबर आप इमली को लीजिएगा, उसे पानी में सोक कर दीजिएगा, अच्छे से फूल जाएगा, उसे मैश करके उसको छान करके इस तरह से पानी तैयार कर लें, जिसे हमने पानी तैयार कर लिया। बहुत ही टेस्टी सी खट्टी मसाला सब्ज़ी बनती है फ्रेंड, एक बार ज़रूर बनाइएगा। मेरे कहने से इतनी टेस्टी होती है कि आप बार बार इसी को बनाइएगा। तो इस तरह से बने अच्छे से डाल करके इस अच्छे से मसाले में इसको मिक्स कर लेंगे और इसे ढक करके 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमने चलाते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसका इतनी टेस्टी इतनी अमेजिंग सब्ज़ी फ्रेंड इसकी बनती है ना, तो उंगलियाँ चाटे पर मजबूर हो जाएगी। इस तरह सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरह से सब्ज़ी बनाने के लिए मेरी पूरी वीडियो को जरूर देखिए। अभी देखिए और भी सामान में डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे गर्म मसाला और 1/4 चम्मच में सौंफ पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच सौंफ पाउडर जरूर डालेगा फ्रेंड, उससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। इस तरह 1/4 चम्मच सौंफ पाउडर डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे अभी ढक करके हम लोग 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स
मिक्स कर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स करिएगा जिससे सारे मसाले आपस में मिल जाते हैं। देखिए बन चुका है यम्मी सी टेस्टी सी सब्ज़ी, इतनी लजीज इसकी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड, देखिए कितनी लजीज बन के तैयार हुई, उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएगी फ्रेंड इस तरह से अगर सब्ज़ी बनाइएगा तो। इसे आप रोटी चावल पूड़ी पराठे किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अमेजिंग सब्ज़ी बन के तैयार हुई हमारी अरबी, ऑलरेडी पहले से गली उसी मसाले ही भुनने थे। तो देखिए बन चुका है, इसे प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। इस तरह सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो पसंद है तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड, लाइक करिएगा अपने दोस्तों में फ्रेंडों में इसको शेयर करिएगा। देखिएगा फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग बहुत ही टेस्टी बहुत लजीज सब्जी बनती है इसकी सब्जी, एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा। मसाला अरबी तो आप लोगों ने बहुत बनाया होगा लेकिन एक बार मेरे कहने से खट्टी मसाला अरबी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड। वैसे ऑलरेडी मैंने अरबी की सूखी सब्ज़ी डाल रखी हुई बहुत टेस्टी बनी हुई, उसे भी वीडियो हमने नीचे लिंक पर दे देंगे इसका, उसे भी देखिएगा बहुत टेस्टी है, बहुत अमेजिंग सब्ज़ी उस भी बनी वो भी बनी हुई है। तो इस तरह सब्ज़ी बनाने के लिए फ्रेंड मेरी पूरी वीडियो को देखिए, तब तक बनाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए अरबी खट्टी अरबी मसाला सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बहुत अमेजिंग।